से लगभग 20-25 साल की पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, सही यही सोचती है किसी की। उससे पहले खेती मजदूरी के लिए सोचती, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, खेती करना है। लेकिन 20-25 साल 30 साल पहले देखेंगे तो सोच थी लोगों की पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, सही। तो मम्मी मेरा काम कर करके मेरे को पढ़ाई, वहीं सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। गाँव में मजदूरी थी मेरी जो थी, मैं ऐसा निकलौता यहाँ पे हूँ जो पांचवी कक्षा में फेल हुआ था, समझ रहे हैं। पांचवी कक्षा में फेल हो गया था क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी ना मैथ आती थी। लेकिन मैं तो सोच लिया मैं नहीं पढ़ूंगा, मम्मी मैंने बोला भी था मैं नहीं पढ़ूंगा, पता नहीं समझ में आता ना मैथ ना अंग्रेजी। लेकिन मम्मी ने पता नहीं क्या कैसे दिमाग लगाया मेरे को ट्यूशन लगवा दी, ट्यूशन पढ़ा तो मैथ समझ में आई, अंग्रेजी समझ में आई, सही। तो पांचवीं पढ़ा वहाँ से पास हुआ। जब गाँव में रहा तो आप लोग भी बहुत सारे रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे कहीं ना कहीं, सही। तो जो बता रहा हूँ समझ में भी आ रहा होगा। तो गांव में ना बिगड़ रहा था, कंचे खेलना समझते हैं, जैसा गुल्ली डंडा खेलना, नदी है मेरे यहाँ टमस नदी, वहाँ पे जाना नहाना, मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं, मतलब बिगड़ रहा था कहीं ना कहीं देखा जाए। तो मम्मी सोची कि यहाँ रहे तो बिगड़ जाएगा, इसको कहीं बाहर। दूर के मेरे चाचा जी हैं, उनके सपोर्ट से मेरा फिर रीवा जानतो रीवा संभाग है, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ पढ़ाई को लेकर। वहाँ पर हॉस्टल में मैं गया, हॉस्टल में एडमिशन हुआ और स्कूल अच्छी स्कूल मेरे को मिल गई, पहले नॉर्मली मिल गई। उसके बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ा और स्पीड हुई, पढ़ने में फिर होशियार हो गया। सर मेरे माहौल की कमी थी मुझे कुछ नहीं, कहते पहला गुरु माता पिता होते हैं। आज लड़के स्कूल नहीं जाते ना, एडमिशन नहीं होता, पाँच साल जाते हैं जब मेरी माता उनसे ऑलरेडी आता होता है, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ए बी सी डी संडे मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि पहले गुरु जो माता पिता पहले सिखा देते हैं, मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे माहौल मेरे को मिलता गया वैसे ढलता गया। वहाँ गया नॉर्मल स्कूल थी, फिर एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन हुआ, हॉस्टल भी मेरे को मिली। वहाँ से पढ़ ही रहा था तो फिर बापू का फ़ोन आया, जब 10वीं कक्षा में नंबर आए तो मेरी जो दूरी थी ना हॉस्टल की, वो 6 किलोमीटर दूरी जाना 6 किलोमीटर आना, तो पता चला कि मैं पास हो गया। तो बापू का इकलौता लड़का हूँ, अपने पिताजी का दो बहन है, मैं इकलौता हूँ, दर्द हुआ कि अकेले बुढ़ापे की लाठी बने कुछ ना कुछ हेल्प करूँ, सही। तो पैदल जाता साइकिल खरीद दिए थे मेरे बैठो, पैदल मैं साइकिल सोचा, 11वीं निकला 12वीं निकला 12वीं, अच्छे नंबर से पास हुआ मैं, लगभग 82% से बने थे। उसके बाद मैं बोले कि क्या करना है, उस समय स्कोप था इंजीनियरिंग का ज़्यादा, समझ रहे हैं 2016 की बात है। इंजीनियरिंग लोग बोलते थे इंजीनियरिंग कर लेंगे नौकरी फिक्स है, मतलब इंजीनियरिंग का, सही। इंजीनियरिंग करने ही सपना आ गए आपके, सपना आया इंजीनियरिंग कर ही रहा था, मतलब सब सुकून मिल रहा था, मतलब पाप मम्मी के हड्डी पे कबड्डी मैंने खेला 12वीं 10वीं तक, समझ रहे हैं। हड्डी पे कबड्डी खेलना मतलब उनके पैसे को यूज करना, समझ रहे हैं। फिर बापू को मिला 11वीं से सपोर्ट, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू 3-4 साल पापा की हड्डी पे कबड्डी खेलना शुरू कर दिए। लेकिन